एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप थ्रेडिंग धागा होल्ड कर सकते हैं और कैसे चला सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए इस तरीके का ऑर्गेनिक 40 नंबर धागा। इस तरीके का आपको 40 नंबर धागा लेना है। और पकड़ना कैसे है आपको, इस हाथ पर ये हमारा जो फिंगर्स होता है इस पर और इसके बीच में आपको पहले होल्ड करना, देखिए ऐसा, ठीक है, इस तरीके से होल्ड करना है, इस तरीके से आप देखिए। और ये जो हमारा छोर होता है ये हमारी फिंगर्स की तरफ होगा, जो हमारी उंगलियां हैं आप देख सकते हैं फिंगर्स की तरफ होगा। अगर आप इसको अंगूठे की तरफ रखते हैं ये वाला धागा, आप जो है आपका जो ग्रिप भी अच्छा नहीं होगा और आपसे थ्रेडिंग भी अच्छे से नहीं बनेगी, तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको पकड़ना है इस टाइप में, ऐसा ले जाना है और इसके बीच में आपको होल्ड कर देना, ऐसा इस तरीके से पकड़ लेना है, ये देखिए इस टाइप में। और ये हमारे इसके और इसके बीच में ये धागा रहता है, ये वाला हिस्सा इस तरीके से। और यहाँ पे ऐसा पकड़ना है आपको, अपने दांतों के बीच में सेट करना है ऐसा करके, कम से कम 5 से 7 लपेटे देने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर आप 5 या 7 से कम देंगे, जैसे 2 या 3 देंगे, तो आपका ग्रिप अच्छा नहीं बनेगा और अच्छे से आपकी जो थ्रेडिंग है वो क्लीन भी नहीं होगी। तो इसके लिए कम से कम 5 से 7 बार इसको लपेटे देंगे। और आपको करना कैसे, जिस जगह का आपको हेयर निकालना है जैसे, तो उसको ये हिस्सा वहाँ पे रखेंगे, जहाँ के आपको हेयर निकालने हैं इस हिस्से को वहाँ पर ऐसा रख देना है। रखने के बाद में आपको ऐसा खींचना है, ठीक है। तो देखिए, जब आपको हेयर निकालना है इसको रखने के बाद, ऐसा रख दिए, रखने के बाद आप अपने फेस को ऐसा, तो जैसे ही आप फेस को पीछे ले जाते हैं और ये वाला नीचे को जाता है, फेस ऊपर जाता है और ये फिंगर्स अपने आप ही ये देखिए क्लोज हो जाती है, ठीक है। जैसे हेयर निकल जाता है तो हम फेस को नीचे की तरफ लाते हैं और ये अपने आप ही ऐसा फैल जाता है, आपको फैला देना है, देखिए इस तरीके से आपको चलाना है। बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप जहाँ का हेयर निकालेंगे ये वाला पार्ट वहाँ पे रखना है, ऐसा निकालते समय हम अपने फेस को ऐसा करेंगे और ये हिस्सा नीचे की तरफ दबाएंगे, फेस ऊपर की तरफ जाता है। तो अंगूठे से नीचे की तरफ दबाना है, फेस को ऊपर की तरफ हल्का सा खींचना है और खींचते ही हमारा ये जो फिंगर्स देखिए क्लोज हो गया, आई मीन यहाँ जो हमने बाल फंसाए थे वो अच्छे से निकल जाएंगे। और निकलते ही हम फेस को डाउन करेंगे, इसको छोड़ देंगे और ये फैल जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको चलाना है, रखना है, फेस को पीछे ले जाना है, थंब को नीचे दबाना है, फेस को पीछे, गर्दन आपकी पीछे, अंगूठे से नीचे दबाना है और ये आपका क्लोज हो जाएगा, ये देखिए ऐसा, इस तरीके से रखना है और दबाना है, रखना है और दबाना है। तो आप पहले इसी तरीके से हवा में ऐसा खाली प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है, ये देखिए। फेस हम पीछे ले जाते हैं तो हमारी फिंगर्स क्लोज हो जाती हैं, ये देखिए क्लोज हो जाती हैं। मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ इस तरीके से, ये देखो बाल को फंसाएंगे, फेस पीछे ले जाएंगे, फिंगर्स धागा नीचे दबेगा ऐसा ऐसा, और ये देखिए, ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ पे बाल फंसा लेंगे, यहाँ पे उंगली रखेंगे ऐसा और फेस पीछे करेंगे और अंगूठे से इसको ऐसा दबाएंगे, देखिए हमारी फिंगर्स क्लोज हो जाएंगी। जैसे ही बाल निकलेगा हम फेस को ढीला करेंगे और इसको छोड़ देंगे और ये फैल जाएगा। इस तरीके से आप पहले हवा में धीरे 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 प्रैक्टिस करिए, इकट्ठे बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपका यहाँ पे कट सकता है, क्योंकि जब नए नए लोग प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारी स्किन काफ़ी नाजुक होती है तो कट सकती है, यहाँ की स्किन कटती है और ये जो हमारा थंब होता है अंगूठे की यहाँ की कटती है। इसके लिए आप आराम आराम थोड़ी थोड़ी देर करके ही प्रैक्टिस करिएगा, इकट्ठे बिल्कुल भी मत करना। मेरी बात अलग है, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू भी काम करती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरी स्किन यहाँ की हार्ड भी हो चुकी है, काम करते करते ये स्किन यहाँ की हार्ड हो जाती है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, बट प्रैक्टिस के टाइम पे आप आराम से करेंगे।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रेडिंग धागा कैसे होल्ड करना है और किस तरीके से चलाना है। तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, तो आप ज़रूर देखें। संगीता ब्यूटी वर्ल्ड के नाम से मेरा चैनल है और आज मैंने आपको बताया कि थ्रेडिंग धागा किस तरीके से होल्ड करना है और किस तरीके से चलाना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।